गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास. इन लास्ट क्लास वी स्टडी एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 5th, 7th, and 8th. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 9 एंड एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि SP इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 इनटू CP. यही था. SP में मैंने बोला था प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा. अपॉन में 100 था, इनटू CP था. जो कॉस्ट प्राइस होती थी, जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस मिल रहा था, उसी को प्राइस को हम क्या करते थे, यहां रखते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है कि एक पर्सन है, वो दुकान पे जाता है और जो भी उसके ऊपर प्राइस लिखा था, जो भी प्राइस उस पर लिखा था, मान लो ₹X लिखा था, ठीक है, उसके ऊपर उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया. ठीक है, जो प्रॉफिट, जो वैल्यू उस पर लिखी थी, जैसे अपन जाते हैं ना, ₹500 की चीज होती है, वो हमें 400 में दे देते हैं कि कोई नहीं, ये कस्टमर अच्छा है, ये वो करके बोलते हैं ना, हमें 400 में दे दिया ऐसे. वही सेम चीज कि 20% का मैंने डिस्काउंट दिया, आफ्टर डिस्काउंट उसने सेल किया उसको ₹1600 में, ठीक है, 1600 में. तो जो ₹1600 है, ये तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट कितना है, 20%, और जो वैल्यू, जो उसके ऊपर जो स्लिप लगी थी, जो प्राइस टैग लगा था, वो क्या था, मार्केट प्राइस. और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो मार्केट प्राइस पे मिल रहा है या फिर जो जिसमें उस दुकानदार ने खरीदा था उस प्राइस पे मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हमें मिल रहा है, जो रेट टैग लगा था उसके ऊपर, मतलब मार्केट प्राइस पे हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है. तो जो हम CP लिख रहे थे, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस. वाई, क्योंकि हमें जब CP पे प्रॉफिट लॉस हो रहा था, अब हमें मार्केट पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है. सेम, सेलिंग प्राइस इज 1600, डिस्काउंट 20%, मार्केट प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट. SP इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू MP. यूजिंग MP बिकॉज आवर क्वेश्चन, हमें कॉस्ट प्राइस कोई दी नहीं है, तो मार्केट प्राइस में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. SP हमें पता है 1600 इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20% अपॉन 100 इनटू MP, जो हमें पता ही नहीं है. यही तो हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब तो गिवन है. 1600, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे. मैंने कल भी बताया था, जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको 100 में से माइनस या प्लस कर देते हैं. तो 100 माइनस 20 इज व्हाट, 80 अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस. अब ये 100 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब जो वैल्यू नीचे है वो तो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी. सो 1600 इंटू 100 अपॉन 80, कैसे लिखा, ये डिवाइड में था, उधर आया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल. 8 1 जा 8 8 2 जा 16, और एक 0 था तो 0. अब ये क्या होगा, 20 और 100 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2000, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट वैल्यू. इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपको खुद कंप्लीट करना है. इसके लिए काफ़ी सारे मेथड और भी दिए हैं, गूगल पे भी दिए हैं, काफ़ी जगह पे, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला बताया. आप हो सके उनको ज़्यादातर में यही फॉर्मूला यूज़ करो, ताकि आप जिससे ज़्यादा कम से कम कन्फ्यूज़ हो, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इन एक्सरसाइज 8.2. अब ए पार्ट जैसा है, इसका बी पार्ट भी ऐसा ही है और सी पार्ट भी ऐसा ही है. तो आपको बी और सी पार्ट कंप्लीट करना है एज ए होमवर्क. इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो एक अलग चीज है, जो अभी आप पढ़ रहे हो वो अलग है. मतलब एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3. 8.3 में कुछ अलग चीजें हैं. अब उसके लिए क्या है, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हमारी प्रिंसिपल मैम नहीं, प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल अमाउंट होता है रेट टाइम एंड अमाउंट, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड SI सिंपल इंटरेस्ट. ये सब क्या चीजें हैं, क्या नाम है, पहले पढ़ लेते हैं. देखो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ. मान लो हम कुछ पैसे उधार देते हैं या किसी से पैसे उधार में लेते हैं, ठीक है. तो हमने मान लो इसको किसी को 2000 रुपये उधार में दिए,
जो पैसे दिए हैं, ठीक है, दिए या किसी ने लिए, जो पैसे एक्चुअल में लिए गए थे वो कहलाते हैं प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, मूल धन। रेट मान लो कई लोग बोलते हैं ना 2% ब्याज पे, तो जो परसेंटेज में जो भी गिवन होगा वो होगी दर, रेट। टी या फिर एन नंबर ऑफ इयर्स, मतलब टाइम, भाई 2 साल 3 साल 4 साल जो भी गिवन होगा वो टाइम होगा। अमाउंट, अब जैसे मान लो आपने 2000 रुपए दिए, 2 साल बाद में वो इंसान आपको 2100 रुपए देता है, ठीक है, तो जो पैसे लौटाए हैं, मतलब दिए तो तुमने 2000 ही थे, उस पर ब्याज वगैरह लग के जो पैसे एक्स्ट्रा लग गए वो पूरे कितने हो गए, वो आएगा मिश्र धन, ठीक है। इसको ढंग से समझ लेना, बार बार कोई नहीं समझाने वाला और आपको बाद में समझ में भी नहीं आने वाला। मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट जो पूरा दिया है। फिर आएगा एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक आएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो इसी में आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का हम पढ़ेंगे बाद में। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जैसे 2000 रुपए लिए थे, इंटरेस्ट क्या होता है, जो रुपए एक्स्ट्रा लगे, 2000 रुपए लिए और 2100 रुपए लौटाए, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा लौटाए हैं, 100, तो वो किस दर से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो जो 100 रुपीज है वो होगा इंटरेस्ट। अब वो हमें फॉर्मूले से डिपेंड करता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, वो तो हमें फॉर्मूले से पता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आएगा एक फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 power n, इसको रट लेना, पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। वी हैव प्रिंसिपल इक्वल टू 10800, रेट 12 1/2, वी कैन कन्वर्ट 25/2, एनुअल के लिए और हाफ ईयरली के लिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तब हम समझ लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव 3, फॉर्मूला अप्लाई करना है अमाउंट का, पी इक्वल टू 1 + R/100 power n, पी की जगह हमने पुट किया 10800, 1 + R की जगह 25/2, 25/2 लिख दिया, 100 पहले से था, 100 और पावर में 3, 10800, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2 को 100 से किया 200, और देखो यहाँ हम क्या करते थे, 100 में 25 जोड़ते, इसमें अभी क्या कर देंगे 200 में, क्योंकि नीचे क्या है 200, तो वी कैन कन्वर्ट 225/200 और पावर में 3, जितनी भी पावर हो उस वैल्यू को उतनी बार ही लिख दो, अगर 2 होता तो 2 टाइम्स लिख देते, 3 होता तो 3 टाइम्स, 10800 × 225/200, 225/200, 225/200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। आप इनको चाहो तो 5 से भी कैंसिल कर सकते हो, और मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया 15,377.34 अप्रोक्सीमेटली। अब देखो उसने पैसे लिए कितने थे, 10,800, दे कितना रहा है वो, 15,377। मैं आधी चीज़ें हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देखते हैं, इस वीडियो को। तो हमने इंटरेस्ट कितना दिया, 15,000 में से जब हम 10,000 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 4577.34, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसको, इस क्वेश्चन को हो सके तो 2 बार देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 B and C part complete करना है। थैंक यू।